निर्दया के पिछले एपिसोड में हमने जाना कि किस प्रकार तुलसी राम जी की प्रारंभिक शिक्षा का आरंभ होता है और किस प्रकार जो मास्टर हैं स्कूल के, वे हर बच्चे से पस कराई लेते थे, यानी कि 2 रुपया रिश्वत पास करने के लिए, और तीसरी कक्षा में किस प्रकार तुलसी राम जी के घर वाले वो 2 रुपये का भुगतान नहीं कर पाते, जिसके चलते उन्हें तीसरी कक्षा में फेल कर दिया जाता है और घर वालों को लगता है कि ये इंटेलिजेंट नहीं है बल्कि पढ़ाई में नालायक है, इसीलिए रिश्वत देकर इनको पास करवाना पड़ता है। तो उसके साथ ही साथ वे जो सिक्के उस जमाने में चला करते थे उन सिक्कों का भी जिक्र करते हैं। तो अब हम यहां से आगे पढ़ेंगे, चलिए अगले एपिसोड की तरफ बढ़ते हैं। आभासी दुनिया के मेरे दोस्तों, शालिनी बोल रही हूं, जय भीम हुल जौहार। चलिए, मेरी बुढ़िया दादी के पास उक्त बिस्टोरिया वाले 37 सिक्के ना जाने कितने वर्षों से पड़े हुए थे। पिछले एपिसोड का आखिरी जो पैराग्राफ था वो इसी के ऊपर था कि विक्टोरिया को वो लोग बिस्टोरिया कहा करते थे और कई बार धन जो है गाड़कर ही बुजुर्ग मर जाया करते थे, जो कई वर्षों बाद रीस्टैब्लिशमेंट जब लोग किया करते थे घरों की, उनकी नींव खोदा करते थे, तो वो गड़ा धन मिलता था। दादी सिर्फ मुझे इसका रहस्य बताई थी, दादी सिर्फ मुझे ही इसका रहस्य बताई थी। ये सेंटेंस फॉर्मेशन बिहार में बोले जाने वाली सेंटेंस फॉर्मेशन के बेहद नजदीक है, क्योंकि आजमगढ़ बिहार से काफी नजदीक पड़ता है, इसलिए मैंने पहले ही इस चीज का जिक्र किया था कि भाषा में जगह जगह हल्का बिहारीपन झलकता है। वह मेरे कान में धीरे धीरे अनेक बार कहती कि इन बिस्टोरियों को वही भूत द्वारा मारे गए दादाजी एक एक कर छिपाने के लिए दिया करते थे। दादी यह भी बताती थी कि ये सब रंगरेजों अर्थात अंग्रेजों के जमाने की बातें हैं। उन 37 बिस्टोरियों को दादी घड़े की आकृति वाले मिट्टी से बने छोटे से पात्र, जिसे भरूखी कहा जाता था, में रखती थी। उस भरूखी को वह बहुत दिनों तक घर के कोने में गड्ढा खोदकर छिपाए रही। मैं तब तीसरी कक्षा में पढ़ रहा था, यानी सन 1957 में। तो दादी एक बार बीमार पड़ी, उसे बड़ा तेज बुखार था, जिसे वह जरहंस की बीमारी कहती थी। ये जरहंस क्या है, मैंने नेट पर इस बारे में सर्च मारी थी लेकिन मुझे नहीं मिला कि ये जरहंस किस प्रकार का बुखार या बीमारी है। यदि कोई जानकार हूं इस तरह के देशज शब्दों का उनके गांव देहात में कहीं आज भी इस्तेमाल होता हो, तो वे इस बाबत जरूर हमें बताएं कि ये जरहंस क्या होता है। वह एक खुरपी लेकर जमीन खोदने लगी और मुझे दरवाजे पर खड़ा करके बाहर से किसी के आने के बारे में तुरंत बताने को कहा, ताकि खुदाई को कोई देख ना ले। अंतोदगतवा बिस्टोरियों से भरी वह छोटी सी भरूखी मिल ही गई। उसने चुपके से मुझे गिनने के लिए कहा। उसने फटे पुराने कपड़ों से हाथ से सिलकर बनाए गए बिस्तर, जिसे लेवा कहा जाता था, पर उन बिस्टोरियों को एक एक करके एक जगह रख दिया तथा वे मुझे एक एक करके देती और मैं गिनता रहा। लेवा जहां तक मुझे समझ में आ रहा है उसे गुदड़ी कहा जाता है। वह तुरंत अगली संख्या आने से पहले हर एक सिक्के को मेरे हाथ से लेकर उस भरूखी में इतने धीरे से रखती ताकि उसकी खनक की आवाज ना आने पाए। इस प्रक्रिया में 37 की गिनती पूरी हुई। दादी 37 की संख्या को समझने में पूर्ण रूपेण असमर्थ थी। उसे बड़ी देर तक कुछ भी समझ में नहीं आया, वह बिल्कुल हैरान थी। दादी गिनती के नाम पर 1 से 10 तक अच्छी तरह जानती थी। इसके बाद वह सीधे 20, 30, 40, 50 और 100 को समझ पाती थी, जिन्हें गिनने का उसका तरीका बड़ा रोचक था। वह 10 को 2 5, 20 को 2 10, 40 को 2 20, 50 को 2 20 और 1 10 तथा 100 को 2 50 कहती थी, किंतु 37 उसकी समझ के बिल्कुल बाहर थी। बड़ी मुश्किल से जब मैंने उसे ये बताया कि 2 20 में 3 कम है, तब जाकर दादी को 37 की गुत्थी समझ में आई। मुझे याद है कि मेरी मम्मी ने मेरे बचपन में मुझे उनके बचपन का एक किस्सा सुनाया था कि मेरी नानी भी निरक्षर थी, उन्हें भी गिनती का बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं था,
लेकिन 10, 20, 30 इस तरीके से वे गिनना जानती थी। 10 10 के नोटों में वे गिनती किया करती थी। 10 नोट पूरे हुए, 1 10, 2 10, 3 10 का मतलब 1 तीसी, 30 नोट जब वो इकट्ठा कर लेती थी एक एक रुपए के या 10 के 3, तो उसे वो 1 तीसी कहा करती थी। 1 तीसी, 2 तीसी, 3 तीसी, उसके ऊपर 10, तो ये हुए 100। तो ये मेरी मम्मी के बचपन का किस्सा था जो उन्होंने मुझसे शेयर किया था, जो आज इस जगह काम आ रहा है। तो इस तरीके से आपके भी कोई किस्से हों, रोचक घटनाएं हों, उसके बारे में हमें भी अवगत कराएं। वह उस भरूकी को एक पुराने चिथड़े में बांध कर उसे अपनी लेवा के नीचे रख के पास हमें वह उस भरूकी को एक पुराने चिथड़े में बांधकर उसी अपने लेवा के नीचे सिर के पास रखकर हमेशा सोती थी। वह मुझसे लगभग रोज ही कहती थी कि पहले वे भरूकी मुझे देगी, इसीलिए उसने मुझे चमरिया माई की कसम खिलाकर कहा था कि किसी को बताना नहीं। वह प्रतिदिन एक बार अवश्य ही उन बिस्टोरियों को मुझे फिर से उसी पुरानी प्रक्रिया द्वारा गिनने को देती और अंत में कहती कि 2 20 में 3 कम हो ना। मेरे हाँ कहने पर उसे अत्यंत तृप्ति महसूस होती थी और फिर एक बार बोल पड़ती, किसी को बताना नहीं। तो ये शायद दादी, क्योंकि 37 की गुत्थी उनकी सुलझ गई थी, इसलिए वो आश्वस्त होना चाहती थी कि हाँ, कि अब वे 37 समझ गई हैं और उन्हें समझ में आ रहा है कि कितने पैसे हैं। दादी के इस अटूट प्यार और विश्वास ने मुझे बेहद भावुक बना दिया था कि वह जब भी बीमार पड़ती मैं चिंताग्रस्त हो जाता। वह हरदम गांव की देवी चमरिया माई को धार पुजौरा की मनौती मानती और घी से अग्यारी करती, और मैं वहीं बैठकर अक्सर मनी मन मानता रहता कि हे चमरिया माई, मैं भले ही मर जाऊं किंतु दादी ना मरे। दादी की संभावित मृत्यु की कल्पना मात्र से ही मैं एकदम उदास हो जाता था, और ऐसे समय उसका घुंटू मुंटू मुझे बहुत याद आता था। घुंटू मुंटू छोटे बच्चों को बहलाने का एक खेल होता था, जिसके तहत दादी लेटकर अपने दोनों घुटनों को मोड़कर मुझे बैठा लेती और झूले की तरह आगे पीछे झुलाते हुए एक छोटी सी काव्यात्मक कहानी गाती जाती। हम में से बहुत लोग बच्चों को इसी तरह करते हैं, हम लोग पीठ के बल लेट जाते हैं और अपने घुटनों को पेट की साइड मोड़कर बच्चों को अपने पंजों के पास बैठाकर घुटनों को ऊपर नीचे करते हैं और उन्हें झूला झुलाते हैं। तो ये अमूमन एक बड़ा कॉमन तरीका है बच्चों को झूला झुलाने का लेटे लेटे। वे कहानी इस प्रकार थी। राजा रानी आवेली, पोख राखा नावेली, पोख राके तीरे तीरे इमली लगावेली, इमली के खोड़ रामे 32 अंडा, रामचंद्र फटका रे डंडा, डंडा गयल रेत में मछरी के पेट में, कौआ कहे काँव काँव बिलार कहे झपटो, आ लगड़ी के टंग धई के रहरी में पटको, रहरी में पटको। ये कहानी खत्म होते ही दादी जोर जोर से लला पला कहते हुए पैरों पर बैठाए मुझे ऊपर हवा में उछाल देती। इस घुंटू मुंटू के कथा खेल से छोटे बच्चों का बहुत मनोरंजन होता था। इसी तरह रोते हुए छोटे बच्चों को चुप कराने के लिए एक अन्य अति लघु कथा गाई जाती थी, जो इस प्रकार थी। कड़ा कड़ा कौआ नेपाल के बेटुआ, नेपाल गई ले दिल्ली, उठा के लई ले पिल्ली, खेल आओ कौआ खेल आवा कौआ। दादी इसे भी मुझे सुनाया करती थी। मैं समझती हूँ कि अब काफी अच्छी खासी पकड़ मेरी बन गई है देशज शब्दों को लेकर। मैं काफी सहजता से उन्हें अब पढ़ लेती हूँ। उसने ऐसा ही एक और खेल मुझे सिखाया था जिसे अक्का बक्का कहते थे। इस खेल में 2 या 2 से ज्यादा बच्चे गोलाकार रूप से बैठते और अपने दोनों हाथों की सभी उंगलियों को नीचे की तरफ खड़ा करके जमीन पर रख देते थे। कोई एक बच्चा अपनी मुट्ठी बांधकर सिर्फ तर्जनी उंगली को अन्य बच्चों की हथेली के उल्टे भाग पर लघु कथा के हर शब्द गाने के बाद छूता जाता और उसके ऊपर कथा का अंतिम शब्द समाप्त होता माफ कीजिएगा, उसे उसी क्रम में वही कथा दोहरानी पड़ती थी। यह कथा भी इस प्रकार थी। अक्का बक्का 3 चलक्का, लौवा लाची चन्ना काठी, चनना
में काबा मकई का लावा आवा हो बिलार हमरे घरवा में गावा घरवा में गावा। इन खेलों के अलावा दादी की एक आदत मुझे बेहद गहराई से याद आती है। वह आदत थी अमरूद और मिठाई जैसी चीजें जब भी घर में आती दादी उनके कुछ हिस्सों को ताखा में छिपा देती और बाद में मुझे खिलाती। ताखा शायद बांस की बनी हुई डलिया जिसे हम कहते हैं वैसा ही कुछ होता होगा। इसी तरह जाड़े के दिनों में कौड़ा तापते हुए वे आलू तथा ताजा मटर की छिम्मी भुना करती तथा अन्य बड़े बच्चों से छिपाकर सिर्फ मुझे ही खाने को देती। इधर धीरे धीरे दादी तेज बुखार के कारण मरणासन हो गई। घर में लोग विचार करने लगे कि कफन आदि की तैयारी करनी चाहिए। इसी बीच गांव में एक हिंगुहारा आया यानी हींग बेचने वाला। उस हिंगुहारे की विशेषता यह थी कि वह दूर दूर फैले अनगिनत गांव में साल भर में सिर्फ एक ही बार जाता और आवश्यकता अनुसार किसी को भी हींग देकर उसका नाम पता अत्यंत पुरानी बही में लिख लेता। फिर बिना शुल्क लिए वह वापस लौट जाता। उसके साल भर बाद उसी महीने के किसी दिन उस गांव में पुनः वापस आता और अपने पुराने ग्राहक के घर के सामने आकर खड़ा होता और गाते हुए पैसे मांगता। पैसे मांगने का यह तरीका बड़ा आकर्षक होता था। मान लीजिए कि वह जगलू नामक ग्राहक को साल भर पहले हींग देकर गया था तो उसके घर के सामने वह इस तरह गाता, हे जगलू का माई काम धाम बंद करा हींग के पसरा खर्र करा। यही शैली वे हर किसी के घर के सामने दोहराता। संयोगवश इसी शैली में गाते हुए वे हमारे घर के सामने पहुंचा। उस हिंगुहारे की आवाज दादी के कानों में पड़ी। बीच वाले मुन्नर चाचा घर के मालिक होते थे, उन्होंने उसे पैसे दिए। उस हिंगुहारे ने उस उत्सुकतावश दादी के बारे में पूछा कि वह कहाँ हैं, क्योंकि हर बार वही पैसे देती थी। जब उसे पता चला कि दादी बीमार है वे उसे देखने गया। उस हिंगुहारे ने मुन्नर चाचा से कहा कि दादी को तुरंत अस्पताल ले जाया जाए अन्यथा वे मर जाएगी। उस समय हमारे गांव से करीब 7 किलोमीटर दूर बरहलगंज नामक छोटे से बाजार के पास एक 2 कमरे वाला छोटा सा अस्पताल था। उसमें मात्र एक आधुनिक डॉक्टर होता था। यह डॉक्टर उस पूरे क्षेत्र में अंग्रेजी डॉक्टर के रूप में प्रसिद्ध था। यह पहला अवसर था जब हमारे घर वाले अंधविश्वास से ऊपर उठकर उस हिंगुहारे की बात मान लिए और दादी अस्पताल पहुंच गई। यहां पर भी हल्का सेंटेंस फॉर्मेशन में बिहारी सेंटेंस फॉर्मेशन से करीब है कि बात मान लिए। एक ढीली चारपाई जिसे झिलंगा कहते थे कि दोनों हिस्सों में मोटी डोर डालकर उसे एक मोटे बांस की काड़ी में लपेटकर डोली की तरह बना लिया गया, जिस पर दादी को लिटाकर आगे पीछे 2 आदमी पालकी की तरह ढोते हुए अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने दादी को मोटी सुई लगाकर पीने के लिए शीशी के बड़े घड़े से निकालकर एक बड़ी शीशी में लाल घोल दिया तथा साथ में कुछ खुली हुई सफेद टिकिया। दादी को उसी झिलंगे पर तुरंत वापस घर लाया गया और वे 3-4 दिन बाद ठीक होने लगी। उस समय मैं बहुत प्रसन्न हुआ था। दादी मरने से बच गई और बिस्टोरियों से भरी उस भरूखी को उसने कुछ दिन बाद पुनः जमीन में गाड़ दिया। भरूखी को गाड़ना शायद दादी के लिए नए सिरे से जीने का एक पुनरुद्घोष था, शायद एक नई शुरुआत जीने की, क्योंकि सभी ने मान लिया था, हो सकता है उनकी दादी ने भी मान लिया हो कि अब वे नहीं बचेंगी, लेकिन क्योंकि वे लौट आई थी और पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गई थी तो शायद अब वे जिंदगी को नए सिरे से शुरू करने का ये उनका मंत्र उन्हें लगता हो भरूखी को गाड़ना। वह हिंगुहारा गांव की याद आने पर आज भी मुझे याद आता है। उसका नाम और पता कभी किसी को मालूम नहीं था। वह पूछने पर किसी को बताता भी नहीं था। वह धोती कुर्ता पहनता और सिर पर गांधी टोपी लगाता था थोड़ा टेढ़ा करके। उसकी बड़ी तोंद भी थी इसलिए टोपी खूब जमती थी। तो यहाँ पर एक व्यंग्य है कि नेता लोग जो है वो अपनी तोंद बड़ी कर लेते हैं। जब देश आजाद हुआ तब यही पतले दुबले नेता जो है खा पी कर अच्छे खासे तंदुरुस्त हो गए थे। हरिशंकर परसाई जी के एक लेख में इस बात का जिक्र है बाखूबी के स्वतंत्रता के आंदोलन में दूर दूर तक पैदल मार्च करने वाले नेता जो थे उस समय पतले दुबले हुआ करते थे और उसके बाद जब आजादी मिल गई तो खा पी के वही इतने मोटे ताजे हो गए। उनकी गर्दन भी इतनी मोटी हो गई कि उसमें गले में फूलों की माला अटक जाया करती थी। तो विधायकों की बिक्री इस लेख में उन्होंने
इस बात की चर्चा की है जिसको मैं अभी आपके सामने दोहरा रही हूं। चाहे तो स्क्रॉल डाउन करके उस लेख को देख सकते हैं। वह देखने में पुराने कांग्रेसी नेता सीताराम केसरी के बड़े भाई जैसा लगता था। गांव के बच्चे पूरे साल शाम के समय किसी के घर के सामने उसी हिंगुहारे के गाने वाले लहजे में हींग के पैसा खर्र करा गाकर भागते हुए अपना खूब मनोरंजन करते थे। साल में जब भी एक बार वह गांव में आता, दर्जनों बच्चे उसके साथ होकर घर घर जाते और उसे हींग का पैसा खर्र करा गाते सुनकर अति प्रसन्न होते। वह हाथ से सिली हुई छोटी बोरी नुमा टंगने वाले धोरिया सॉरी टंगने वाली धोकरी कंधे पर लटकाए रहता। उसी में वह हींग तथा कुछ पुड़िया बांधने वाले कागज रखता था। वसूले गए पैसे को भी वे उसी धोकरी में रखता था। उसकी ये जादुई धोकरी ठीक वैसी ही होती जैसे कि सारंगी बजाकर भजन गाते गांव गांव भीख मांगने वाले गेरुआधारी जोगियों की। ऐसा ही एक जोगी हमारे गांव में साल भर में सिर्फ एक बार आता था। वह भीख लेने से पहले बड़ी सुरीले आवाज में गाता था सारंगी बजाते हुए पूरे गांव की चारों तरफ की फेरी लेता, फिर बारी बारी से भीख स्वीकार करता। वह जोगी भी उसी हिंगुहारे की तरह बहुत लोकप्रिय था। एक जोगी हमारे गांव में भी रहते थे। जाति से वे नोनिया थे। वे गेरुआधारी नहीं थे और ना ही भीख मांगते थे। उन्हें लोग राशन आदि पहुंचा दिया करते थे। वे एक सफेद धोती या लुंगी कमर में लपेटकर दोनों खूंटों को आर पार करके गर्दन के ऊपर बांध लेते थे। इसके अलावा वे कुछ भी नहीं पहनते। उनकी लंबी लंबी दाढ़ी तथा सिर पर बड़े बड़े बाल थे। हाथ में वे हमेशा पानी से भरी तुमड़ी रखते थे। तुमड़ी सूखी लौकी की जगनुमा टांगने वाली बनी होती है जिसे साधुओं का पात्र कहा जाता है। वह हमारे गांव के बाहर उत्तर दिशा के घने जंगल में झोपड़ी बनाकर रहते। उनके हाथ में एक लोहे का बड़ा चिमटा भी होता था। वे किस देवता के पुजारी थे ये किसी को भी मालूम नहीं था। घने जंगल के सुनसान में अकेले रहते हुए उनके फक्कड़ों जैसा अत्यंत निर्भीक जीवन था। उन्हें लोग सिर्फ जोगी बाबा के रूप में जानते थे किंतु उनका असली राम रामजीत था। गांव के लोग अंदाजा लगाकर कहते कि जोगी बाबा भूत पूजक थे। शायद वे अकेले रहते थे और उनके आसपास डर के मारे कोई जाता नहीं था, इसी वजह से ये बात प्रचलन में आ गई होगी कि ये भूत प्रेतों को मानते हैं और उन्हीं के पुजारी हैं, क्योंकि किस देवी देवता के पुजारी हैं ये भी किसी को नहीं पता था। वे हमारी दलित बस्ती में हफ्ते में सिर्फ एक बार आते थे और किसी पेड़ के नीचे खड़े हो जाते थे। उनकी सबसे बड़ी एक अति रोचक विशेषता यह थी कि उनके सामने जब किसी भी व्यक्ति के मुंह से जो भी पहला शब्द निकलता था वे उसी शब्द से तीन सतर वाली कविता तत्काल बनाकर एक विचित्र स्वर शैली में गाने लगते थे। जैसे किसी के मुंह से निकल गया जोगी बाबा वो तुरंत गाने लगते। जैसन कहत बाड़ा जोगी वैसन बढ़त बाड़े रोगी, बड़ सततिया सहबा राम, बड़ सततिया सहबा राम। इसी तरह किसी के मुंह से यदि निकल पड़ा कि आंधी आ रही है तो जोगी बाबा गाते जैसन कहत बाड़ा आंधी वैसन मारल गईले गांधी, बड़ सततिया साहब राम, बड़ सततिया सहबा राम। किसी के मुंह से दवा शब्द निकल जाता तो जोगी बाबा गाते जैसन कहत बाड़ा दावा वैसन चलत बाड़ी हावा, बड़ ससतिया सहबा राम, बड़ ससतिया सहबा राम। इस तरह वे हरी हाजिर जवाब काव्य के एक अति कुशल कवि थे तथा हजारों शब्दों को इस विधा में तत्काल पलटने की उनमें अद्भुत क्षमता थी। जोगी बाबा कभी गद्दे में बात नहीं करते थे। शायद उनके जैसा सारी दुनिया में ना कोई हुआ है और ना ही होगा। तो इस तरह का टैलेंट अक्षर ज्ञान ना होने की वजह से हमेशा से मारा जाता रहा है, जो इन्हें आत्मकथाओं के जरिए जिन्हें हम जान पाते हैं, पहचान पाते हैं। कला की कभी भी कमी नहीं थी हमारे समाज में, लेकिन उनके कदरदान ना हुए, उनके बारे में लोगों को जानने का अवसर ना मिला, क्योंकि वे दलित बस्तियों में ही जन्मे, दलित बस्तियों में ही पॉपुलर हुए, उनकी लोकप्रियता रही और वहीं पर वे खत्म हो गए, जला दिए गए या दफना दिए गए। इसलिए उनकी कहानियां कभी बाहर ना आ सकी, लेकिन इस तरह की आत्मकथाओं के जरिए हम उनके बारे में जान सकते हैं। इस जोगी बाबा की तरह एक अन्य शैली वाले व्यक्ति उसी अस्पताल वाले बरहल गंज बाजार में रहता था। उसका नाम था बंकिया डोम।
बंकिया डोम का परिवार पेशे से बांस के फट्टे चीरकर टोकरी, चंगेरी, डाल, मौनी, कुरुई, छिट्टा, दौरी आदि बनाकर बाजार में बेचता था। उसके घर में सुअर भी पाले जाते थे। बंकिया डोम सिंघा नामक वाद्य बजाने में अद्वितीय था। सिंघा को ही संस्कृत साहित्य में तूर्य नाद कहते हैं। तो यहाँ पर वे ऐसे शब्दों का भी इस्तेमाल आपको बता रहे हैं जो आदिकाल से हमारे लोग जिन्हें इस्तेमाल करते आए हैं, जैसे कि सिंघा, और बाद में संस्कृत में उसको तूर्यनाद कहा गया है। बंकिया डोम स्वयं काले लोहे के पतले पत्थर को तीन भागों में अलग अलग गोल गोल मोड़कर सिंघा बनाता था, फिर तीनों को तीन टेढ़ मेढ़े हिस्सों में जोड़कर अंग्रेजी शब्द के एस आकार वाली आकृति खड़ी कर देता था। उसका यह सिंघा करीब 4 फीट ऊंचाई वाला होता था, जिसमें रस्सी लगाकर वह बंदूक की तरह कंधे पर लटकाकर चलता था। फरमाइश करने पर वह किसी जगह पर मुंह से फूंक कर बजाने लगता था। रात के सन्नाटे में उसके सिंघे की आवाज किसी गांव के आसपास के कई गांवों तक सुनाई देती थी। वह उस क्षेत्र के सैकड़ों गांव में मशहूर था। देखने में बिल्कुल करिया भुजंग लगता था, मतलब काला सांप। उसके कंधे पर टंगा हुआ सिंघा आधा बैठा आधा खड़े फन जैसा सांप की तरह लगता था। मैं उस क्षेत्र में तमाम गांव के सभी प्रमुख लोगों को जानता था। जब भी किसी गांव में किसी व्यक्ति के यहाँ विवाह या मृत्यु भोज जैसे अवसर आते, बंकिया डोम बिना किसी निमंत्रण के वहां अपना सिंघा बजाता पहुंच जाता। उस समय ऐसा लगता था कि मानो वे युद्ध की तैयारी के लिए रणभेरी बजा रहा हो। हकीकत भी यही थी, वह भोजन के लिए युद्ध ही तो करता था। कितना मार्मिकता से इस बात को इन्होंने यहाँ पर रखा है बात को अपनी, कि गरीब दलित समाज के लोग एक एक निवाले के लिए उनके जो कर्म होते हैं वे युद्ध से कम नहीं होते हैं। इसीलिए इन्होंने पहले भी मुर्दैया को सामरिक क्षेत्र बोला है। वह बैठकर खाता कम था, झोले में भरता ज्यादा था, इसलिए कई बार घरेता यानी कि जिसके घर समारोह संपन्न होता था उससे लड़ जाते थे। यदि किसी ने उसे झोला भरने से मना कर दिया तो वह तुरंत वहां से चल देता और अत्यंत तेज गति से फूंक मारकर सिंघा बजा बजाकर रात के सन्नाटे में एक गांव से दूसरे गांव में जाता और घरेता का नाम लेकर चिल्ला चिल्ला कर लोगों से कहता कि उस गांव का वह आदमी अत्यंत कंजूस, टुकड़खोर, चोर, भुक्कड़, मक्खी, चूस, भिकमंगा, सरहंग, बेदिल आदि आदि ना जाने क्या क्या है। बंकिया डोम की सिंघा का संगीतीय ध्वनि के साथ उक्त विश्लेषणों द्वारा चित्रण, चरित्र चित्रण का विद्रोही तरीका किसी को भी रातों रात घृणा का पात्र बना देता था। घृणा का पात्र इसलिए क्योंकि बिना किसी निमंत्रण के वो बेचारा अपनी ड्यूटी समझकर किसी के भी घर में, चाहे जीवन हो या मृत्यु का कोई भी भोज हो या कार्यक्रम हो, वहां पहुंच जाया करता था अपने फर्ज को समझकर। और यदि ऐसे में उसके फर्ज से उसको नकार कर खाने के लिए रोका जाए तो वे बेहद गुस्सा हो जाया करता था। तो मैं समझती हूँ ये आक्रोश बिल्कुल सही है कि एक तो आप बेगार काटने जा रहे हैं, उस पर खाने को भी आपको मना किया जा रहा है, जो गलत है। लोग उसके विद्रोह के इस तरीके से बहुत घबराते थे। उसके उल्टे यदि कोई उसे अच्छी तरह खिला दे और झोले भी भरने दे तो बंकिया डोम ठीक उसी शैली में सिंघा बजाते एक गांव से दूसरे गांव में जाता और उस अच्छे घरेता का नाम लेकर चिल्लाता कि अमुक गांव के अमुक व्यक्ति ने खूब खिलाया और वे व्यक्ति बड़ा धनवान, दिलेर, दयालु, भल मानुस, राजा हरिश्चंद्र जैसा आदि आदि है। इस तरह वह रात भर के अंदर अनेक गांव का चक्कर लगा आता था। उसकी सिंघा की युद्धोन्मादी ध्वनि अक्सर सोए हुए लोगों को जगा देती थी। लोग अविलंब समझ जाते कि बंकिया डोम को या तो किसी ने भूखा रखा है या किसी ने खूब खिलाया है। वह हमारे गांव भी अक्सर आया करता था, कभी खाने और कभी तारीफ करने या फिर कभी किसी की धज्जियां उड़ाने। मैंने बंकिया डोम जैसा तूरम चीक कहीं और नहीं देखा। तो आज का एपिसोड यहां समाप्त करते हैं। ऐसे ऐसे चीजों से, ऐसे ऐसे पात्रों से मुर्दैया के खजाने भरे पड़े हैं, जिसे जितना पढ़ा जाए उतनी ही ज्यादा जानकारी अपने समाज को लेकर हमें मिलती है। जूठन में जहां
सामाजिक ताक पर जोर दिया गया है, अपनी सामाजिक दुर्दशाओं का जहां बखान किया गया है, वहीं मुर्दैया में जगह जगह पर ऐसे पात्रों का भी जिक्र किया गया है जो आज से पहले तो हमें शायद देखने सुनने को किसी और साहित्य में या किसी और विधा में नहीं मिले होंगे, या किसी ने तरस खाकर अपना बड़प्पन दिखाने के लिए इनको लिख दिया होगा। लेकिन अमूमन ऐसे चरित्र, ऐसे किरदार साहित्य में नदारद रहते हैं, जिनका जिक्र मुर्दैया में बहुत अच्छे तरीके से किया है। आप पढ़कर पूरा अंदाजा बिठा सकते हैं कि वे दिखने में कैसे होंगे, उनकी चाल ढाल कैसे होगी, उनके हाव भाव कैसे होंगे और उनका स्वभाव कितना विद्रोही रहा होगा। तो आज का एपिसोड यहाँ समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।